मित्रों, हम सालों से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। 50 से 10 दशकों से हमारे पुरखों ने पार्टी बनाई, जो पार्टी संगठन के आधार पर चले, जो पार्टी विचारधारा के आधार पर चले, जो पार्टी हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली हो, जो पार्टी भारत के गौरव के अंदर, भारत के गौरव में रची बसी हो, जो पार्टी इसी धरती के मिले संस्कार और इसी मिट्टी की सुगंध को लेकर आगे बढ़ने वाली हो। और ये पार्टी की यात्रा कई सालों तक चली, कई पराजयों को हमने सामना किया, हंसते हंसते पराजय झेले, जमानतें जब्त होती थी तो भी कार्यकर्ता को आइसक्रीम खिलाने वाले लोग मैंने भी मेरे जीवन काल में देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। और ये पार्टी की यात्रा बढ़ती 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 पहले दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी, बाद में अटल जी और अडवाणी जी, और ढेर सारे सहयोगी उनके 2014 तक लेकर आए। और 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का निर्णय किया, और बहुत लंबे समय के बाद और आजादी के बाद पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप लोग ताली बजा रहे हो, मगर मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं, क्योंकि पूर्ण बहुमत की जब मोदी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के कमल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब इसी राजस्थान की वीरभूमि ने 25 में से 25 सीटें नरेंद्र मोदी जी को देने का काम। और 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी 300 पार गई, तब भी 25 में से 23 सीटें देने का काम यही मेरे राजस्थान के लोगों ने, यही मेरे राजस्थान के प्रिय कार्यकर्ताओं ने किया था। तो मोदी जी दोनों बार प्रधानमंत्री बने, इसमें राजस्थान की जनता का आशीर्वाद का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा है इसके अंदर भूमिका है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने आया हूं कि ही राजस्थान के अंदर फिर से एक बार ये निकम्मी और भ्रष्टाचारी अशोक गहलोत सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कमल के निशान वाली सरकार बनाना है। और बहुत कुछ किया है 7 सालों में मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के लिए। मित्रों, मैं आज आपको याद कराने आया हूं, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 70 के 70 दशक में दिया नारा, 2014 में मोदी जी आए तब भी करोड़ों गरीबों के लिए घर नहीं था, करोड़ों गरीबों के घर में बिजली नहीं थी, करोड़ों माताएं टहनी और कंडे जलाकर खाना पकाती थी, धुआं खाती थी, गरीब के स्वास्थ्य का कोई ठिकाना नहीं था, गरीब की भूख भरने का कोई रास्ता नहीं था, गरीब मां और बच्ची के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के नेता जो टीवी पर सुनते हैं सुन ले, आपने गरीबी हटाने की जगह गरीब हटाओ का काम किया था, गरीब हटाओ का काम। गरीबी हटाने का काम 2014 के बाद जब पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी तब हुआ। और 7 साल के अंदर ही मैं आज कह सकता हूं हर गांव में बिजली है और हर घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। 11 करोड़ से ज्यादा घरों के अंदर, 11 करोड़ से ज्यादा घरों के अंदर शौचालय बनाकर बच्चियों और माताओं को शर्मसार होने से बचाया है, वो आज शर्मसार हुए बगैर अपने घर के साथ अंदर सम्मान के साथ जी रही है, इनके लिए शौचालय की व्यवस्था की। 2 करोड़ से ज्यादा घर बनाए, 13 करोड़ घरों के अंदर
13 करोड़ घरों में गैस का सिलेंडर देकर घरों को धुएं से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। हर घर के अंदर 5 लाख रुपए का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा, ऑपरेशन कराना हो, अस्पताल में जाना हो, दवाई लेनी हो, MRI कराना हो, कुछ भी करना हो, 5 लाख तक का पूरा खर्चा आज मोदी सरकार 60 करोड़ गरीबों का दे रही है। मित्रों 60 करोड़ आज गरीब के ऊपर अपने बूढ़े बाप की बीमारी का कोई बोझ नहीं, किसी मजदूर को अपने बच्चे की बीमारी का इलाज करने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ता है, इस प्रकार की स्थिति का सर्जन किया है। और कोरोना के बाद काफी लोगों के रोजगार प्रभावित हुए, लंबे समय तक लॉकडाउन रहा, तत्काल काफी सारी दुकानें सारी फैक्ट्रियां बंद रही, तो गरीब को रोज क्या खाना वो दिक्कत थी। 80 करोड़ गरीबों को देश में मोदी जी ने हर महीना 2 साल तक 5 किलो अनाज देने का काम कर गरीब के घर के चूल्हे को जलते रखने का काम किया है। और मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जरा आप बताइए कि आपने गरीबी के लिए क्या किया। हाँ एक काम हुआ है, अभी अभी राहुल बाबा ट्वीट करने लगे हैं, ट्वीट तो करते हैं कम से कम, काम कोई करते हैं या नहीं करते हैं मालूम नहीं है। मोदी जी ने पूरे देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल के टैक्स घटाए, परंतु राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री जी को तिजोरी बहुत प्रिय है, जनता की दिक्कत प्रिय नहीं। मैं गहलोत जी को विनंती करता हूं, गहलोत जी जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं उन्होंने भी वेट के अंदर कटौती कर पेट्रोल के दाम घटाए हैं। आप अभी भी समझ जाओ, पेट्रोल के दाम घटा दो वरना जनता राह देखकर खड़ी है, जनता राह देखकर खड़ी है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं, पूरे देश भर के अंदर भारत सरकार ने टैक्स कम करा है, भाजपा की राज्य सरकारों ने किया है, अशोक गहलोत सरकार कर नहीं रही है, हमने आंदोलन कर उनको मजबूर कर देना चाहिए। मित्रों हम यहां पर सब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। मोदी जी ने गरीब कल्याण के साथ साथ ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किए, नई शिक्षा नीति को लाकर हमारी बोलियों को हमारी भाषाओं को मजबूती प्रदान करने का काम किया, ढेर सारे ऐसे कदम उठाए जिसमें हमारी इकोनॉमी दिन दूनी रात चौगुनी बड़ी है। मगर सबसे बड़ा काम किया उन्होंने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का। मित्रों 10 साल तक मनमोहन सिंह सोनिया की सरकार चलती थी, कई बार पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमले किए, हमारे जवान हताहत हुए, मगर दिल्ली के हुक्मरानों के सर पर जू नहीं रेंगती थी, मौनी बाबा मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलते थे। मोदी जी की सरकार आई, उरी और पुलवामा में हमला हुआ और मित्रों 10 ही दिन के अंदर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेने का काम इस देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और पूरी दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। हम मित्रों 90 के दशक से मांग कर रहे थे कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ वहां पर एक भव्य मंदिर बनना चाहिए, करते थे या नहीं करते थे बोलिए, जरा जोर से बोलिए, करते थे या नहीं करते थे। ये विपक्ष वाले हमें ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे तिथि नहीं बताएंगे, मगर आज दोबारा मोदी जी की सरकार बनी, आसमान को छूने वाला गगनचुंबी राम मंदिर का नींव डालने का काम
नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। हम सभी कार्यकर्ता आपके अपने जीवन में ही ये 2 साल के भीतर भीतर एक भव्य राम मंदिर को साकार होते हुए देखेंगे। जब से जनसंघ की स्थापना हुई, हर चुनावी घोषणा पत्र में चाहे जनसंघ हो या भाजप हो, एक घोषणा जरूर होती थी, हम धारा 370 को हटाएंगे, 35A को हटाएंगे, मगर हटा नहीं पाते थे। दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखेड़ कर फेंक दिया। कांग्रेस विरोध करती रह गई, आज हमारा प्यारा कश्मीर भारत माता का मुकुट मणि बनकर पूरी दुनिया देख सके, इस तरह से भारत के साथ जुड़ा है। ढेर सारे काम मोदी जी ने किए हैं, और यहां पर गहलोत सरकार ना गरीबों को किसी प्रकार की सुविधा दे रही है। वसुंधरा जी की सरकार ने ढेर सारी चालू की हुई गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया है, तोड़ दिया है, मरोड़ दिया है। ढेर सारे काम जो भारत सरकार करना चाहती है उसमें रोड़ा बनी हुई है। बहुत सारा कर्जा लेकर प्रति व्यक्ति 65,300 रुपए का कर्जा, आज राजस्थान में बच्चा पैदा होता है 65,300 रुपए का कर्जदार पैदा होता है, और उनको हमेशा डर रहता है मेरी सरकार गिर जाएगी। भैया कौन गिरा रहा है? कोई नहीं गिरा रहा है, मगर आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि आपके ही लोग भागे जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी आपका सरकार नहीं गिराएगी। भारतीय जनता पार्टी 2023 में जनता के सामने जाकर मजबूती के साथ हमारा पक्ष रखकर प्रचंड बहुमत के साथ फिर से चुनकर यहां पर आने वाली। बैसाखियों के आधार पर चलने वाली गहलोत सरकार ने चुनाव में आने से पहले वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। बहुत सारे युवा है भाई, किसी को मिला है क्या? मिला है क्या? मिलने वाला है क्या? झूठे वादे देकर ये लोग सत्ता में आए हैं, वादा पूरा करने की हिम्मत नहीं है। किसानों का ऋण माफ करने का वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेता राहुल बाबा से कि भाई आप कहते थे किसानों का ऋण 10 दिन में माफ कर देंगे, यही जयपुर में कहा था, कितने दिन हुए, क्या हुआ? आपने तो कुछ नहीं किया। मोदी जी ने देश के 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपया लेकर 1,50,000 करोड़ रुपया किसानों को भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप अंतरकलह के अंदर ही व्यस्त है और पूरे राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की व्याख्या ही बदल गई। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून और व्यवस्था। गहलोत जी ने इसका मतलब कर दिया है लॉ और ऑर्डर करो। ये पूरी भ्रष्ट सरकार है। ट्रांसफर इंडस्ट्री लगाई हुई, इसके परिणाम स्वरूप लूट के मामलों में 40% की वृद्धि, अपहरण के मामले में 25% की वृद्धि, बलात्कार के मामले में 21% की वृद्धि, दलित कन्याओं पर बलात्कार के मामले में 42% की वृद्धि। मित्रों, ढेर सारे पुजारियों की हत्या हुई, मंदिर के अंदर चोरियां हो रही, मंदिर भी सुरक्षित नहीं। गहलोत साहब, आपके राज के अंदर अब आप यूपी गुजरात सब जगह जाना बंद करो, राजस्थान में रहकर कुछ सुधारो, वरना जनता सब देखती है 23 में चुनाव आने वाला है। मित्रों, कोरोना के अंदर मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाने का काम किया। 125 वैक्सीन के डोज लग चुके, ढेर सारे वेंटिलेटर भेजे,
ऑक्सीजन प्लांट भेजे, 1500 वेंटिलेटर जो भारत सरकार ने भेजे थे वो रास्ता कर गए हैं, एक तो भरतपुर के निजी चिकित्सालय से मिला। बोलिए, वेंटिलेटर हमने भेजा था जनता के लिए और वो वेंटिलेटर मिल रहे निजी चिकित्सालय से। ऑक्सीजन प्लांट भेजे वो भी शुरू नहीं कर रहे हैं, भर्ती भी बंद है, शिक्षा का बेहाल है। गहलोत साहब, आपने विकास के रास्ते पर चल पड़ा, वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो राजस्थान था उसका बंटा धार करने का काम किया है, बंटा धार करने का। और अगर आपका दावा है कि आपकी सरकार ठीक चल रही है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, साथ में चुनाव करा दो, तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा कि राजस्थान की जनता क्या करा रही है। मगर हम तो चाहते हैं कि आप 23 तक का समय पूरा करें परंतु राजस्थान की जनता का काम करें। मैं तो भ्रष्टाचार, बेरोजगार और अव्यवस्था राजस्थान सरकार का स्वभाव बन चुकी। मित्रों, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी ने राजस्थान के 42,860 गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के नीचे 14 लाख घर बनाने का काम किया है। रेल के लिए 1228 किलोमीटर 11 नई रेल परियोजनाओं को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 50,000 से ज्यादा गांवों का विद्युतीकरण कर ढाणियों तक विद्युत पहुंचाने का काम किया है। भारतमाला परियोजना में 2400 किलोमीटर रोड बनाए, ढेर सारे